गुड मॉर्निंग फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और नए दिन की शुरुआत कुछ नई खबरों के साथ। कल क्या कुछ हुआ, आज क्या होने वाला, ये सभी खबरें अगले एक घंटे में हम आपको बताएंगे। तो हर रोज की तरह मैं और दीपिका एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं, ताकि हम चाहते हैं कि आप पूरे दिन जो कुछ भी होने वाला है उसकी जानकारी भी रखें और साथ ही हमारे साथ फिट रहने के लिए इंस्पायर भी हो सकें। मौसम का जो मिजाज है वो थोड़ा बदला सा है, मतलब अप्रैल आने को है दीपिका, और इस वक्त भी ये खुशनुमा बारिश हो रही है। तो हमें तो बहुत मजा आता है जब ये बारिश होती है, तापमान में गिरावट आती है, लेकिन किसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। सही कहा आपने, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से बारिश हुई है कल, और आज भी कुछ मौसम का मिजाज ऐसा ही नजर आ रहा है। ऐसे में सड़कों पर पानी भर गया, लोगों को ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ा, और दूसरी तरफ किसानों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, और साथ ही ओलावृष्टि का भी डर किसानों को सता रहा है। खबर देखिए, दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को दिन भर मौसम सुहाना बना रहा। रुक रुक कर हुई बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अचानक शुक्रवार को सुबह के वक्त मौसम का मिजाज बदला और तेज हवा के साथ बारिश ने दस्तक दे दी। सड़कों पर कई जगह जल भराव देखने को मिला। बारिश हो और दिल्ली में जाम न लगे, ऐसा कम ही होता है, लिहाजा दफ्तर से घर लौट रहे लोगों को बारिश के चलते जाम का सामना करना पड़ा। ये बारिश शहर के लोगों के लिए राहत जरूर लेकर आई, लेकिन किसान परेशान हैं। असल में ये बेमौसम बारिश खेती को नुकसान पहुंचा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में शनिवार को भी बादल छाए रहेंगे। वहीं पंजाब के फाजिल्का में कुदरत का कहर देखने को मिला। यहां शुक्रवार को आए बवंडर ने भारी तबाही मचाई, तेज हवा के चलते घरों की दीवारें गिर गईं। इसके अलावा कई जगहों पर पेड़ उखड़कर गिरे नजर आए। बवंडर की तस्वीरों को लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। तो देखिए, देश के किसानों की अगर बात करें तो उन्हें अक्सर चौतरफा मार झेलनी पड़ती है। कभी फसल अच्छी हो जाए तो उसके सही दाम नहीं मिलते, और कभी फसल हो भी जाए तो बारिश और ओलावृष्टि की वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो लोग कहते हैं ना हमेशा दीपिका कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन किसानों के मामले में तो ऐसा लगता है कि बेचारे वो हार तोड़ मेहनत करते हैं, बावजूद इसके ओलावृष्टि उनकी फसलों को बर्बाद कर देती है। लेकिन अगर बात करें कश्मीर घाटी की, तो 5G की रफ्तार से अब कश्मीर घाटी दौड़ने वाली है। जी हाँ, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा कश्मीर, और इसीलिए 5G सेवा की शुरुआत वहां पर की जा रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देख लीजिए। ये तस्वीरें बदले कश्मीर की हैं। जो घाटी कभी आतंकियों के खौफ में जीती थी, वो अब 5G की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। बॉर्डर के जिले पुंछ में एयरटेल ने 5G सेवा शुरू कर दी है। यहाँ के लोग 5G सेवा की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को एयरटेल की टीम ने बाइक पर अवेयरनेस जुलूस निकाला, ताकि लोगों को 5G के बारे में पता चले। बॉर्डर से काफी डिमांड थी, ये बॉर्डर एरिया पड़ता है, यहाँ पे भी डिमांड थी कि नेट की स्पीड। अब हम 5G प्लस के साथ आए हैं पुंछ एरिया में, ताकि लोगों को बेहतर स्पीड मिल सके और यहाँ के लोग मैक्सिमम हमारा नेट यूज कर सके। पुंछ के लोगों ने 5G इंटरनेट सर्विस के लिए देश की मोदी सरकार को शुक्रिया कहा। पुंछ के किरनी सीमावर्ती गांव के निवासी इम्तियाज अहमद ने कहा कि हम लोग पिछले एक साल से 5G का इंतजार कर रहे थे। पिछले 10 सालों से भी हम डीसी साहब को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे एरिया में 5G लॉन्च किया जाए, मगर आज सुना है कि हमारे पुंछ के डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी 5G लॉन्च हो रहा है। हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। 5G सेवा शुरू होने से घाटी के लोगों को तेज रफ्तार इंटरनेट सुविधा मिलेगी। 5G सर्विस को लेकर युवा खासे उत्साहित हैं। ऐसे दीपिका एक बात बताइए, आप अपने मोबाइल फोन के बिना कितनी देर रह सकती हैं? पूरे 10 सेकंड। और मुझे लगता है हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनका भी यही हाल है, क्योंकि आजकल इंटरनेट के बिना तो ऐसा लगता है जिंदगी अधूरी हो गई है, और 5G सेवा के जरिए अब कश्मीर के जो युवा हैं इसीलिए मोदी सरकार को शुक्रिया कहते हुए थक नहीं रहे। वैसे शुक्रगुजार तो वाराणसी की जनता भी प्रधानमंत्री मोदी का दिल खोल कर रही है, क्योंकि शुक्रवार को जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो करोड़ों की सौगात उन्होंने वाराणसी की जनता के लिए दी। आप भी देखिए। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो काशी वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब नजर आए। जहां जहां से पीएम का काफिला गुजरा, फूलों की बरसात देखने को मिली। मंच से पीएम ने जनसभा को संबोधित किया तो सुनने वालों का हुजूम उमड़ गया।
टैक्सी में जब भी वो आए हैं तब कुछ ना कुछ उन्होंने काशी के लिए किया, और जब 2014 से वो काशी के सांसद रहे हैं उन्होंने पूरी तरीके से पूरे भारत को ही बदल दिया है। आज विश्व पटल पे भारत का नाम जाना जा रहा है, भारत सबसे आंख से आंख मिलाकर बात कर रहा है। वाराणसी को पीएम ने देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की सौगात दी, जिसके बनने से लोगों को जाम से निजात मिल सकेगी। इस बार का जो सौगात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ काशी वासियों के हृदय को छू गए हैं। एक तरफ जहाँ आध्यात्मिक स्वरूप को बढ़ावा लगातार देते जा रहे हैं, आज बाबा का दर्शन करने के लिए जिस प्रकार से कैंट से वहां तक रोपवे का निर्माण किया है, निश्चित रूप से जो दर्शनार्थी कष्ट से जाते थे वो आनंद पूर्वक जाएंगे, बाबा का दर्शन करेंगे। सब सिनेमा में देखते थे कि स्विट्जरलैंड में रोपवे चल रहा है, लोग उसमें बैठ करके बाहर का नजारा देख रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में देखते थे, ऋषिकेश नैनीताल उधर क्षेत्र में देखते थे, आज ये साक्षात हम देखने जा रहे हैं काशी को, ये बहुत बड़ी सौगात है। तो प्रधानमंत्री क्योंकि वाराणसी से सांसद हैं और लोकसभा चुनाव है, जाहिर सी बात है अपने संसदीय क्षेत्र के सभी लोगों की समस्याओं को हल करने में प्रधानमंत्री मोदी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और अब ये जो मुश्किलें आ रही थी जाम की समस्या से जूझना वाराणसी के लोगों को पड़ रहा था, अब कम से कम इससे दो चार नहीं होना होगा। और न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों से किए हुए अपने वादों को पूरा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि योगी सरकार का जो 2.0 का कार्यकाल है उसका एक साल पूरा हो रहा है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में आज सरकार की तरफ से बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। आपको पूरी खबर दिखा देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे, इस महापर्व को मिट्टी में मिला देंगे। योगी सरकार 2.0 का पहला साल आज पूरा हो रहा है। बीजेपी इस मौके को बड़े उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। यूपी के हर जिले में प्रभारी मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। वहीं सीएम योगी खुद लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लगातार 6 साल तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाएंगे। यूपी में योगी सरकार के 6 सालों में अपराधियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन काफी चर्चा में रहा। हालांकि विपक्ष इस एक्शन पर भी सवाल खड़े करता रहा है। बावजूद इसके डबल इंजन की सरकार तेजी से कानून व्यवस्था और विकास के कामों में जुटी हुई है। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे, इस महापर्व को मिट्टी में मिला देंगे। भारी भरकम निवेश, तेजी से बनते हाईवे और एक्सप्रेसवे अब यूपी की पहचान बनते जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से कोई दंगा नहीं हुआ। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को एक नजीर के रूप में देखा जा रहा है। हर घर शौचालय, गरीबों को आवास, एक जिला एक उत्पाद, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यकरण जैसे कामों से यूपी की देश ही नहीं दुनिया में अलग पहचान बनी है। योगी सरकार के कामों की तारीफ खुद पीएम मोदी और अमित शाह कई मंचों से कर चुके हैं। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 6 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहने का नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। काफी वक्त बाद ऐसा हो रहा है। और साथ ही जिस तरह से उनका बुलडोजर एक्शन है कानून व्यवस्था को लेकर के, उनके जो निर्देश हैं आला अधिकारियों को, उससे उत्तर प्रदेश की जनता का दिल भी उन्होंने जीत लिया है। बिल्कुल। और बात करें अगर राहुल गांधी की, तो उनके बयान को लेकर के और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का अगला प्लान क्या है, तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने क्या जवाब देने वाले हैं सीबीआई के सवालों का, ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए 2 मिनट में आपको दिखाते हैं कि देश में क्या चल रहा है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ कांग्रेस आर पार के मूड में है, तो बीजेपी ने भी मोदी सरनेम पर राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने को तैयार है। महाराष्ट्र और दिल्ली में आज ओबीसी संघर्ष समिति कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय का अपमान किया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है, उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया। लैंड फॉर जॉब घोटाले में राबड़ी और लालू के बाद सीबीआई आज तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। सीबीआई ने तेजस्वी को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। कोर्ट के आदेश पर तेजस्वी दिल्ली के सीबीआई ऑफिस में हाजिर होंगे। सीबीआई ने कोर्ट में उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आश्वासन दिया था। जांच एजेंसी के पास उनसे पूछने के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त है। घोटाले में उनकी भूमिका, अवैध तरीके से पैसों के लेन देन से जुड़े सवाल उनसे किए जाएंगे। आज सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस है।
गृह मंत्री अमित शाह आज जगदलपुर में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। सीआरपीएफ के इतिहास में पहली बार नक्सलियों के गढ़ में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री सीआरपीएफ के जवानों की हौसला अफजाई करने के साथ ही नक्सल विरोधी अभियानों का जायजा भी लेंगे। जगदलपुर के इस इलाके को नक्सलियों ने कभी स्वतंत्र घोषित कर रखा था, लेकिन अब यहां से नक्सलियों का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ राजस्थान में डॉक्टरों का विरोध थम नहीं रहा। आज एक बार फिर करीब 10,000 डॉक्टर जयपुर में जुटेंगे और गहलोत सरकार का घेराव करेंगे। प्राइवेट डॉक्टरों ने इलाज का बहिष्कार कर रखा है, जिससे सूबे की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। आरटीएच बिल विधानसभा में पास हो चुका है, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर इसके खिलाफ सड़क पर हैं और आरटीएच योजना के तहत मरीजों के इलाज के लिए तैयार नहीं है। चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन है। आज श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। ज्ञानवापी केस से जुड़े हिंदू पक्ष के लोग आज माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए ज्ञानवापी जाएंगे। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर में स्थित माँ श्रृंगार गौरी के मंदिर में नियमित दर्शन पूजन की मांग कर रहा है। मामला कोर्ट में है और केस की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है। तो देखिए, जयपुर की बात करें तो वहां पर आरटीएच के खिलाफ जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह की भी कुछ खबरों पर नजर बनी हुई है। साथ ही तेजस्वी यादव सीबीआई को क्या जवाब देंगे, बीजेपी का क्या प्लान है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इन सभी बड़ी खबरों पर आज दिन भर अपडेट आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देखेंगे। तो अपडेट हम आपको इस पर भी दे रहे हैं कि उमेश पाल हत्याकांड जो प्रयागराज में हुआ, उसके बाद से कैसे इस पूरे मामले को लेकर एक्शन जारी है। जो आरोपी है गुड्डू मुस्लिम, उसके आवास पर बुलडोजर भी चला, उसके अवैध कब्जे पर, और अब जाके उसकी संपत्ति भी कुर्क करने की पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। अपडेट देखिए सपोर्ट में। अतीक अहमद के गुर्गों और फरार शूटरों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का एक्शन जारी है। आज शूट आउट के आरोपी शूटर गुड्डू मुस्लिम के घर कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। पीडीए ने पिछले दिनों गुड्डू के घर नोटिस चस्पा किया था। दूसरी तरफ शुक्रवार को कौशाम्बी में पुलिस ने शूटर अब्दुल कवि की तलाश में छापेमारी की। यमुना के तराई इलाके में फोर्स ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। राजूपाल हत्याकांड में आरोपी अब्दुल कवि 18 साल से फरार है। उसके खिलाफ 50,000 का इनाम भी घोषित है। अब्दुल कवि थाना सराय अकिल के भकंदा का रहने वाला है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक के दोनों नाबालिग बेटों के लापता होने का सस्पेंस खत्म हो गया है। दोनों बेटे एहजम और आबान को राजरूपुर के बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। धूमलगंज प्रभारी ने कोर्ट में इसकी लिखित जानकारी दी है। सीजीएम कोर्ट में धूमनगंज इंस्पेक्टर राजेश मौर्य ने एक बंद लिफाफे में रिपोर्ट सीजीएम कोर्ट में पेश की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि माफिया डॉन अतीक अहमद के जो दोनों नाबालिग बेटे हैं वो इसी राजरूपुर में बाल संरक्षण गृह में दाखिल किए गए हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में बेटों के लापता होने को लेकर याचिका दाखिल की थी। वकीलों ने बाल सुधार गृह जाकर दोनों बेटों के बारे में जानकारी ली। राजरूपुर वर्ड ही इन्होंने जो अभी तक अपने रिपोर्ट में नहीं भेज रहे थे, जिसकी वजह से न्यायालय भी गुमराह था, अधिवक्ता भी गुमराह थे और दोनों लड़कों के जो है अभिभावक भी गुमराह थे कि पुलिस ने उनको किस बाल सुधार गृह में रखा गया है। सोमवार को अगली सुनवाई में शाइस्ता परवीन के वकील कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। बुलडोजर एक्शन भले ही हो रहा हो दीपिका, लेकिन शूटर सभी पुलिस के पकड़ से बाहर है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है, जो बाकी शूटर है वो भी फरार है और राजू पाल के जो आरोपी शूटर अब्दुल कवि था उसको भी पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। जी हां, और बेसब्री से पुलिस इंतजार और ढूंढने का काम अमृतपाल को भी कर रही है। इसी को लेकर के दिल्ली से लेकर के पंजाब पुलिस फुल ऑन एक्शन में है, अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से लेकर के हरियाणा तक और साथ ही नेपाल बॉर्डर तक सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस पूरी खबर पर अपडेट क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। आनंदपुर खालसा फोर्स बनाकर खालिस्तान के मंसूबे पालने वाला अमृतपाल सिंह छिपता घूम रहा है। पंजाब से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली तक पुलिस अलर्ट पर है। खबर है कि शुक्रवार को अमृतपाल को उसके एक साथी पपलप्रीत के साथ कश्मीरी गेट बस अड्डे पर देखा गया है। देखिए कि जो ISBT बस अड्डा है, यहाँ पर तमाम तरीके से यह कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो इनपुट्स हैं वो मिल सके कि आखिर क्या यहाँ पर जो है वो पहुँचा था अमृतपाल, और अमृतपाल जो है वो आखिर कहाँ पहुँचा है। लेकिन जो देखिए जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ISBT बस अड्डे की, इस ISBT बस अड्डे की जो इनपुट्स मिले उसके बाद से दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो गई है और उसको पकड़ने की सरगर्मी और ज्यादा तेज हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए अमृतपाल
आईएसबीटी में साधु के भेष में नजर आया है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली और पंजाब पुलिस की टीमों ने दिल्ली एनसीआर में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। पुलिस ने बस अड्डे और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। जो जगह है ये दिल्ली और गाजियाबाद यानी कि दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ देखिए ये कौशाम्बी बस अड्डा है। और इस बस अड्डे के बारे में यह भी तमाम जो सूत्रों के अनुसार जो इनपुट्स मिल रहे हैं कि अमृतपाल जो है वो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ के जरिए वो यूपी में प्रवेश करके यूपी के जरिए वो भागने की फिराक में लगा हो सकता है। दरअसल इससे पहले अमृतपाल कुरुक्षेत्र के शाहबाद एरिया में देखा गया था। यहाँ सिद्धार्थ नगर कॉलोनी में वो एक महिला के घर में रुका था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आखिरी बार वो कुरुक्षेत्र में देखा गया था और ये कहा जा रहा है कि वो विदेश जाने के फिराक में है, नेपाल भागना चाहता है और यही कारण है कि अब जल्द से जल्द उसके पकड़ने की और उसको पकड़ कर जो राज उगलवाने हैं उसकी कोशिश लगातार अलग अलग एजेंसियां और पंजाब पुलिस कर रही है। कुरुक्षेत्र से अमृतपाल दिल्ली आया या फिर यूपी के रास्ते नेपाल बॉर्डर की तरफ गया है, यह अभी साफ नहीं है। पिछले 6 दिनों से पुलिस उसके पीछे लगी है। कल जो खबर आई थी उसके मुताबिक तो यही था कि अमृतपाल को दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे पर देखा गया। दरअसल उसकी जो लास्ट लोकेशन थी वो भी कुरुक्षेत्र बताई जा रही थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने तमाम दिल्ली के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में छाता पकड़े हुए उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। ऐसे में आशंका है कि या तो हरियाणा से वो दिल्ली आया होगा या फिर उत्तर प्रदेश के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश में होगा, क्योंकि घर से उसका पासपोर्ट गायब है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो कहीं विदेश भागने की फिराक में है। अपडेट इस रिपोर्ट में। वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। उसके 207 समर्थकों को हिरासत में लिया जा चुका है। चाचा और कई करीबियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। पंजाब पुलिस ने सुखा नाम के उस शख्स को भी हिरासत में लिया है, जिसे अमृतपाल ने कुरुक्षेत्र की महिला बलजीत कौर के मोबाइल से कॉल किया था। अमृतपाल के नेपाल के रास्ते विदेश भागने की आशंका है, लिहाजा यूपी नेपाल बॉर्डर पर पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस है, उनके हाथ में ये पोस्टर है, आप देख सकते हैं ये पोस्टर, इसको लेके यूपी पुलिस यहाँ पे चेकिंग कर रही है। और यहाँ बताया गया है कि अमृतपाल इतने जो वेश हैं वो बदल सकता है और इन्हीं वेशों में कि अब चेकिंग की जा रही है कि इसमें से कोई ऐसा वेश तो नहीं है जिसको बदल कर अमृतपाल जो है नेपाल की सीमा में घुसने की फिराक में हो। आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही है और एक एक गाड़ी की सघन चेकिंग यहाँ पे की जा रही है। अमृतपाल के विदेश फरार होने की आशंका इसलिए भी गहरा गई है क्योंकि घर से उसका पासपोर्ट गायब है। वो हरियाणा से उत्तराखंड की ओर भागा है या फिर यूपी के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में है, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन नेपाल बॉर्डर पर तगड़ी नाकेबंदी कर दी गई है। बॉर्डर का रास्ता है जहाँ पे चेक पोस्ट है और यहाँ से एक एक गाड़ी एक एक शख्स को चेक करके ही नेपाल बॉर्डर की तरफ आने की इजाजत दी जाती है। लेकिन ये जो दूसरा रास्ता देख रहे हैं आप, ये खेतों का रास्ता है, कच्चा रास्ता है और यहाँ से अगर वो आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे भी SSB की तैनाती की गई है। यूपी पुलिस और SSB के जवानों को अमृतपाल के बदले हुलिया वाले पोस्टर दिए गए हैं ताकि वो किसी भी हाल में नेपाल भागने में कामयाब न हो सके। तो सबसे बड़ी बात है कि जो विदेशी लिंक है वो भी अमृतपाल का मिला है और इसका साफ साफ मतलब है कि देश विरोधी ताकतों के साथ वो इन्वॉल्व था। ISI से संबंध होने के संकेत भी मिले, यानी कि पाकिस्तान के इशारे पर अमृतपाल देश का माहौल खराब करने की कोशिश में था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। और सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादियों के प्लान को चौपट कर दिया है, उनके प्लान का खुलासा किया और कहां पर किस इलाके में 2 आतंकवादियों को घेर लिया गया है, कहां पर एनकाउंटर हुआ, ये सभी खबरें इस रिपोर्ट में देखिए। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में LOC के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकी को ढेर कर दिया। आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था जिसके आधार पर 23-24 मार्च की दरमियानी रात को ये कार्रवाई की गई। घुसपैठिए को नियंत्रण रेखा से करीब 800 मीटर की दूरी पर मार गिराया गया। सुबह होने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान एक सीरीज राइफल के साथ एक आतंकवादी का शव बरामद हुआ। इसके अलावा एक बैग भी बरामद किया गया जिसमें 3 AK राइफल और 6 मैगजीन रखी हुई थी। इसके अलावा 200 से ज्यादा AK राइफल के राउंड, 3X पिस्टल के साथ 3X मैगजीन, 2X चाइनीज टाइप ग्रेनेड, दवाइयां और खाने पीने का सामान बरामद किया गया है। वहीं बांदीपुरा पुलिस को भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। CRPF की मदद से लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 चाइनीज ग्रेनेड भी मिले हैं। एक अन्य मामले में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास ड्रग्स की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया।
इस दौरान हेरोइन के 10 पैकेट बरामद किए गए हैं। घाटी में विकास की रफ्तार के आगे ये जो आतंकवादी हैं, उनके मंसूबे पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। घाटी में ये जो आतंकवादी हैं, वो ना ही युवाओं को बरगला पा रहे हैं और ना ही किसी भी तरीके की आतंकवादी साजिश को अंजाम दे पा रहे हैं। तो देश की खबरें लगातार हम आपको दिखाएंगे और आगे भी बताएंगे कौन कौन सी वो खबरें जिन पर पूरा दिन हमारी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल दुनिया में क्या कुछ हलचल है वो सिर्फ 2 मिनट। बिल्डिंग में आग की ये तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां के न्यूयॉर्क के चाइना टाउन में आग लगी है। आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक है, धुएं के गुबार साफ देखे जा सकते हैं। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को जमकर पसीना बहाना पड़ा। बता दें कि भीषण आग होने के बावजूद इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। धो धो कर जलने की ये तस्वीरें स्पेन की हैं, जहां के जंगलों में भीषण आग लगी है। ये आग स्पेन के पूर्वी कास्टिलॉन और टेरुएल प्रांत के जंगल में लगी है, जिसकी वजह से अब तक करीब 1,000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आप देख सकते हैं कि आग बुझाने के लिए सेना सहित दमकल विभाग के कर्मचारी दिन रात एक किए हुए हैं। रेस्क्यू की ये तस्वीरें इटली की हैं। साफ दिख रहा है कि कुछ लोग समंदर में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि यहाँ 190 प्रवासियों को डूबने से बचाया गया। खबरों के मुताबिक जियो बैरेंस के पास समंदर में मछुआरों की एक नाव फंस गई थी। नाव सवारों को बचाने के लिए एक एनजीओ की ओर से लाइफ जैकेट दिए गए, फिर उन्हें दूसरे जहाज में बिठाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। हिंसक प्रदर्शन की ये तस्वीरें कोलंबिया की हैं, जहां की राजधानी बोगोटा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़प हो रही है। एक तरफ पुलिस है तो वहीं दूसरी तरफ छात्र हैं, जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए कैसे दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। छात्रों की ओर से पुलिस पर अटैक किया जा रहा है, वहीं पुलिस की ओर से भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को, जिसमें एक बुजुर्ग पादरी है, यूक्रेन की पुलिस है और कई श्रद्धालु हैं। पुलिस इस बुजुर्ग पादरी को बेरहमी से पीट रही है। बता दें कि पूरा मामला सांप्रदायिक प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने 65 साल के इस बुजुर्ग पादरी को घसीट लिया है। आप देख सकते हैं कि ये पादरी प्रेयर की पोशाक में है, बावजूद इसके यूक्रेनी पुलिस ने न सिर्फ इसे पीटा बल्कि इसे गिरफ्तार भी कर लिया। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। जी हाँ, राहुल गांधी के संसद सदस्यता को लेकर के जो संग्राम छिड़ा हुआ है, जो सियासी बवाल हो रहा है, जिससे कांग्रेस पार्टी काफी आग बबूला है, इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी एक बड़े संग्राम की तैयारी में, और इसको लेकर कल बैठक भी हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम इससे डरेंगे नहीं, और राहुल गांधी आज इसी को लेकर के आज जो मीडिया से बात भी करने वाले हैं, देखिए अपडेट इस रिपोर्ट के जरिए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर सियासत चरम पर है। पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है। कांग्रेस संसद से सड़क तक संग्राम की तैयारी कर रही है। शुक्रवार को भी देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किए गए। शुक्रवार को राहुल गांधी की अयोग्यता पर कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में अहम बैठक की और आगे की रणनीति के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया। ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी रगों में शहीदों का खून है, हम डट कर लड़ेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। अडानी मुद्दे पर सवाल पूछने पर राहुल के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मुद्दे पर आज राहुल गांधी दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शुक्रवार को राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद वायनाड सीट खाली घोषित कर दी गई है। एक तो गलती करना, बाद में माफी नहीं मांगना, और जब कोर्ट का डिसीजन आता है, ये का बीजेपी का डिसीजन है क्या? कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? तो लोग उनको ठीक तरह से सबक सिखाएंगे तो किसके लिए वो एजिटेशन कर रहे पहले ये बता दे। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को जानबूझकर डिस्क्वालीफाई किया गया है। अगले हफ्ते कांग्रेस दिल्ली चलो रैली का आह्वान करेगी। वैसे राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वाली इस पूरी खबर ने कांग्रेस को भी एक संजीवनी दे दी है, क्योंकि देखिए कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया और कांग्रेस अब इसको लेकर के बड़े स्तर पर पूरे देश में प्रदर्शन करने की तैयारी में है। जी हां, कांग्रेस पार्टी देशव्यापी संग्राम करने की तैयारी में है, विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में, और अगले महीने विधानसभा चुनाव कर्नाटक में होने हैं, और कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि राहुल गांधी को इसमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों ऐसा मानना है,
अभी देखिए इस पूरी खबर में। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस हमलावर हो गई है। दिल्ली से लेकर कर्नाटक और केरल तक कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को जिस वक्त दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक चल रही थी, उसी वक्त कर्नाटक और भोपाल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कर्नाटक में आंध्रा बॉर्डर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया तो भोपाल में ट्रेन का चक्का जाम करने की कोशिश की। राजस्थान में भी बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। आज भी पूरे देश में राहुल गांधी के समर्थन में उग्र प्रदर्शन हो सकते हैं। अडानी ने घोटाला जो किया और जिस तरह से LIC और SBI का पैसा लूटा गया है, लोगों को ठगा गया है, धोखा दिया गया है और जिस तरह से एक के बाद एक भगोड़े होकर देश के हजारों करोड़ रुपए लोग लूट के चले गए, उनके खिलाफ बोलना अपराध थोड़ी है और बीजेपी को शर्म नहीं आ रही। सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी। कांग्रेस इस मुद्दे को कर्नाटक चुनाव में भुनाने की कोशिश में है। गांधी पर ये जो कार्रवाई हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से जान फूंक दी, क्योंकि हमने देखा शुक्रवार को जयपुर से लेकर कर्नाटक तक, तिरुवनंतपुरम तक, हर तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। तिरुवनंतपुरम में तो राजभवन के बाहर देर रात तक कांग्रेस कार्यकर्ता डटे रहे और इस तरह से वो उग्र हो गए, इतना नाराज हो गए कि पुलिस को उनके ऊपर लाठियां भी पांचनी पड़ी उनको हटाने के लिए, लेकिन बावजूद इसके वो वहां से हटे नहीं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन की ये तस्वीरें केरल के तिरुवनंतपुरम की है। यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। राजभवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा देर रात तक चलता रहा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटा पाई। राहुल गांधी केरल के वायनाड से ही सांसद चुने गए थे, लेकिन अब उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। पीएम मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम के दौरान भी विरोध प्रदर्शन और हंगामा करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि इस मुद्दे को पूरे देश में लेकर जाएंगे। दरअसल केरल के वायनाड से ही राहुल गांधी सांसद थे, अब उनकी सदस्यता जाने के साथ ही ये सीट खाली हो गई है। ऐसे में हो सकता है कि जब केरल के विधानसभा चुनाव हो तो उसके साथ ही इस संसदीय सीट पर भी चुनाव हो सकता है। और जब बात हो ही चुकी है कर्नाटक विधानसभा की, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर है। इस साल 3 महीने के अंदर 7वीं बार कर्नाटक के दौरे पर प्रधानमंत्री जा चुके हैं और ऐसे में क्या क्या सौगात वो कर्नाटक की जनता को देने वाले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। पीएम मोदी और अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे बता रहे हैं कि इस चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि अगले ही साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम बेंगलुरु की कृष्णराजपुरा मेट्रो की व्हाइट फील्ड लाइन का उद्घाटन करेंगे और ट्रेन में सवारी भी करेंगे। पीएम मोदी दावणगेरे के जिला मुख्यालय शहर भी जाएंगे और बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से गृह मंत्री अमित शाह चुनावी बिगुल फूंकेंगे। इस दौरान अमित शाह आदिवासी धर्म गुरुओं से मुलाकात करेंगे। 2:03 छिंदवाड़ा में पुलिस लाइन स्थित मैदान में गृह मंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं, इसलिए हम लगातार ब्रेकिंग न्यूज भी आपको बताते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो ये कि भारत में अमेरिका के नए राजदूत बनाए गए हैं एरिक गासची। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शपथ दिलाई है। 2 साल से खाली था अमेरिकी राजदूत का पद। शपथ समारोह में गासची का परिवार भी शामिल रहा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत में अमेरिका के नए राजदूत एरिक गासची बन गए हैं और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उन्हें शपथ दिला दी है। 2 साल से ये पद खाली था, 2 साल से इस पद पर कोई नहीं था, लेकिन अब गासची बन गए हैं भारत में अमेरिका के नए एम्बेसडर।
शपथ समारोह में गासिटी का परिवार भी शामिल रहा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां गासिटी अब भारत में अमेरिका के अम्बेसडर होंगे। तो देखिए श्वेता, लगातार बीच बीच में हम बड़ी खबरें भी बता रहे हैं, राजनीतिक हलचल क्या हो रही है ये भी बता रहे हैं, लेकिन वायरल क्या कुछ हो रहा है, कौन से वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं, दो मिनट में आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर डांस के कई वीडियो वायरल होते हैं, ऐसा ही एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला का डांस देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही। वीडियो में महिला इधर उधर भागकर बवाली डांस करती हुई नजर आ रही है। वीडियो देख लोग मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं। ये मोमो मैगी पिज्जा मेरे पेट को भाती है। सोशल मीडिया पर लड़की का ये गाना खूब वायरल हो रहा है। लड़की ने मोमो मैगी पिज्जा पर शानदार गाना बनाया। इतना ही नहीं, गोलगप्पे पर भी लड़की ने क्या खूब गाया है, सुनिए। गोलगप्पा दो भैया, मैं खाती चली जाऊंगी, तुम देते रहो भैया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। एक तेंदुआ पानी के दैत्य यानी मगरमच्छ का शिकार करता नजर आ रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा मगरमच्छ नदी के बीच कैसे आराम फरमा रहा है। तभी पानी में तैरता हुआ तेंदुआ चुपके से उसके पास पहुंचता है और एक झटके में ही उस पर हमला बोल देता है। जब तक मगरमच्छ वहां से भागता, तब तक तेंदुए ने उसे जकड़ लिया था। सड़क हादसे का ये वीडियो महाराष्ट्र के नागपुर का है। वीडियो में देखिए एक तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे चल रहे लोगों को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देखिए कैसे लोग सड़क के किनारे चल रहे होते हैं, लेकिन तभी तेज रफ्तार कार आती है, लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है। फिलहाल पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में नजर आ रहे डॉग ने लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि खतरनाक कुत्ता बच्चे पर अटैक कर देता है। डॉग बच्चे को काटते हुए नीचे गिरा देता है। इसी बीच वहां बच्चे को बचाने एक और डॉग तेजी से भागते हुए आता है। डॉग ने अटैक करने वाले कुत्ते पर हमला बोल बच्चे की जान बचा ली, जिसे देख लोग उसकी काफी तारीफ कर रहे हैं। तो वायरल की दुनिया में सारे वीडियोस आपने देखे, और जाहिर सी बात है कितने दिलचस्प ये वीडियो होते हैं, और ऐसे वीडियोस आपके चेहरे पर सुबह सुबह मुस्कान भी लेकर आते हैं। लेकिन जैसलमेर में लोगों के चेहरे से मुस्कान उस वक्त गायब हो गई जब उन्होंने अपने खेतों में मिसाइल का मलबा गिरा हुआ देखा। आखिर मिसाइल कहां से आकर उनके खेतों में जा गिरी, ये सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रेगिस्तान पर मिसाइलों के मलबे की ये तस्वीरें जैसलमेर की हैं। पोखरण फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास के दौरान तीन मिसाइलें मिस फायर हो गईं और रेगिस्तान में जा गिरी। मिसाइलों के गिरने की खबर आसपास के गांव में फैली तो हड़कंप मच गया। युद्धाभ्यास के दौरान ये मिसाइलें हवा में दागी गई थीं, लेकिन तीन मिसाइलें मिस फायर होकर अलग अलग जगहों पर जा गिरी। अजीत सिंह जी ठंडा साहब दैनों को कॉल किया कि मेरे खेत में कोई बम गिर गया है, कोई जनहानि नहीं हुई है। तो अजीत सिंह जी ने उधर से जाब्ता भेजा और डिप्टी साहब वगैरह आए और मौका मुआयना किया और फौज को इन्फॉर्मेशन की। दो मिसाइलों का मलबा मिल गया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। जैसलमेर बॉर्डर का जिला है। अजासर और सत्याया गांव के पास ये मिसाइलें गिरी हैं। गनीमत रही कि इससे किसी तरह की कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मिसाइलें आखिर मिस फायर कैसे हो गईं? फिलहाल सेना के अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। इससे पहले भी युद्धाभ्यास के दौरान एक बार ब्रह्मोस मिसाइल सीमा पर पाकिस्तान में जा गिरी थी, जिसको लेकर चौतरफा सवाल उठे थे। तो दरअसल युद्धाभ्यास के दौरान ये जो तीन मिसाइलें थी वो मिस फायर होकर के रेगिस्तान में जा गिरी। हालांकि ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर का इलाका है, लिहाजा अब इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे इतनी बड़ी चूक हुई। और सुरक्षा और सिक्योरिटी की बात हो ही रही है, तो फिर बता दें कि शुक्रवार को ताजमहल की सुरक्षा को लेकर के एक मॉक ड्रिल बकायदा किया गया है। पूरी खबर है क्या इस रिपोर्ट में देखिए। ताजमहल परिसर में शुक्रवार को अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे शायद कोई आतंकी हमला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकी हमले की मॉक ड्रिल की जा रही थी। पुलिस की बम डिस्पोजल यूनिट, डॉग स्क्वाड, ताज सुरक्षा पुलिस टीम PAC और CISF के जवान मॉक ड्रिल में शामिल हुए। सुरक्षा बल अपनी पोजीशन संभाले हुए नजर आए। पूरे ताजमहल परिसर को चारों तरफ से घेर लिया गया था। एक तरफ बम डिस्पोजल यूनिट,
चप्पे चप्पे को छानती नजर आई तो वहीं डॉग स्क्वाड भी मुस्तैदी से जांच में जुटा हुआ था। ताज के पीछे से हमला होने पर सुरक्षा बल किस तरह से मोर्चा संभालेंगे, बम छिपा कर रखने पर उसे कैसे ढूंढा जाएगा और किस तरह और कितनी देर में डिस्पोज किया जाएगा, दशहरा घाट या अन्य रास्तों से यदि कोई ताज पर अचानक हमला करने की कोशिश करे तो उसे कैसे निपटना है, इन सब पहलुओं को ध्यान में रखकर मॉक ड्रिल की गई। आज यहां विभिन्न एजेंसियों जिसमें CISF, BDDS, PAC और हमारे ताज सुरक्षा पुलिस द्वारा मिलकर मॉक ड्रिल की गई जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटने की तैयारी की। ताजमहल पूरे देश की शान है, दुनिया भर से टूरिस्ट ताजमहल का ताज का दीदार करने के लिए आते हैं, ऐसे में लिहाजा उसकी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए बात करते हैं आगे बढ़ते हुए स्पोर्ट्स जगत की, क्योंकि विमेन IPL टीम की कौन सी ऐसी टीम है जो कि फाइनल में पहुंच गई है, इसके अलावा ऋषि सुनक क्यों है क्रिकेट को लेकर चर्चा में, ये सब कुछ हमारे 2 मिनट के स्पोर्ट्स के सेगमेंट में। मुंबई इंडियंस ने WPL के फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में UP वॉरियर्स को एक तरफा मुकाबले में 72 रनों से हराया। मुंबई की एजाबेल वॉन्ग ने टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक ली, वहीं नेटली सीवर ने पहले बैटिंग और फिर बॉलिंग से बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी टीम को जीत दिलाई। बता दें कि टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी मुंबई ने 4 विकेट पर 182 रन बनाए, जवाब में यूपी की टीम 110 रन पर ऑल आउट हो गई। पंजाब किंग्स ने IPL 2023 के लिए अपना एंथम वीडियो लॉन्च कर दिया है। इस बार के वीडियो में सभी खिलाड़ी जोरदार अंदाज में भांगड़ा करते नजर आ रहे हैं। इस एंथम की शूटिंग पंजाब किंग्स के घरेलू मैदान मोहाली में भी हुई है। गब्बर के नाम से मशहूर टीम के नए कप्तान शिखर धवन इस वीडियो की जान है, जो शानदार अंदाज में डांस करते दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के पहले मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 92 रन बनाए, जवाब में 93 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने 18वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 98 रन बना लिए। बता दें कि मोहम्मद नबी मैन ऑफ द मैच चुने गए। भारत के स्टार शटलर PV सिंधु के दिन अच्छे नहीं चल रहे। ताजा मामला स्विस ओपन का है, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। विश्व में 9वें नंबर की खिलाड़ी और 4थी वरीयता प्राप्त सिंधु को 38वीं रैंकिंग की वारदानी ने मात दी। इस हार के साथ ही सिंगल्स में उनकी चुनौती खत्म हो गई। बता दें कि सिंधु 15-21, 21-12 और 18-21 से हार गईं।